हेलो। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब, जो अभी आया सब्सक्राइब कर दे। और भाई बारिश बहुत तेज हुई है, सारी रात हुई है, और अभी भी माहौल दिखाते तो मौसम बना हुआ है, बारिश फिर से हो, बहुत तेज बारिश हुई है, सारी रात बारिश हुई है, सारा दिन बारिश हुई है, कल आज भी हुई। आज जुम्मा और हम जाने वाले हैं नमाज पढ़ने चलते हैं। सही है, मैं आप तो शोर थी क्लिप के तरह रही थी, मैं आपको तो नमाज वाली जगह दिखा दूंगा, बस उससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाई। बहुत ज़्यादा रश थी, गली गंदी थी, मार्केट गंदी। छत से ये थोड़ा थोड़ा जो पानी फंसा हुआ है ये भी निकाल देते हैं। हमने करना है एल्कोरियम का भी काम, एल्कोरियम भी एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करना है। ये काम पिछले एक हफ्ते से फंसा हुआ है, आज तो बिल्कुल डन करते कर देंगे। सबसे पहले जाते करते हैं नाश्ता, और जो अभी चैनल पे नया है प्लीज सबसे पहले जाते करें कोई अच्छा सा कमेंट का मतलब अच्छा सा कमेंट होता है, लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जो चैनल पे। बारिश थी वजह से इलाके थी हालत देखो भाई, मैं यहाँ से तैरते हुए दिया नमाज पढ़ते आते बारिश नहीं हुई है। सही है, बारिश नहीं हुई आज, अल्लाह का शुक्र है आज जुमे का दिन है, बारिश नहीं हुई, शायद रात में हो जाए, मौसम तो बना हुआ है। एल्कोरियम का काम ही चालू कर लेते हैं, चलो एल्कोरियम का काम लगाते हैं, चालू करते हैं। पिछले एक हफ्ते से मैंने एल्कोरियम का काम करने के लिए बोला हुआ है भाई, आपने एक दो वीडियो में दिखा होगा, मैं तब से ही बोल रहा हूँ एल्कोरियम का काम हो रहा है। मैंने बोला भाई आज जो मैं ठिकाने लगाते हैं भाई, ये बिल्ली बैठी हुई है और ये एल्कोरियम यहाँ पे रखना है भाई, दूसरी जगह से उठाते यहाँ पे रखना है, बिल्कुल सेटिंग के साथ। फिर इसका सामान मैंने अलग अलग कर दिया, ये सारा सामान निकाल दिया ऊपर भाई, ये ऊपर वाला छाता है सही है, ये फिल्टर वाली मशीन है, इसके अंदर मछलियाँ डाली हैं बाल्टी के अंदर। सही है, ये बाल्टी के अंदर मछलियाँ डाली हैं, इसका पानी देखा इतना ज़्यादा गंदा हो गया, रेती ऊपर से आ गई तो फिर पानी इतना ज़्यादा गंदा हो गया, पाइप से पानी निकाल रहा जा रहा है सारा। सही है, दूसरी बाल्टी में डाला जा रहा है पानी, ये निकला जा रहा है पानी। सही है, ये मैं आपको ये बाल्टी दिखा दूँ, इसमें इतना गंदा पानी है, ये देखिए ये सारा इसी से निकला हुआ पानी है। एंड में आपको मैंने एक बात बतानी है, एंड में मेरी दो मछलियाँ भी घूम चुकी थी भाई, मैंने बहुत ढूंढ उधर गई उधर दे गई, पता बिल्कुल भी नहीं चला वो दो मछलियाँ कहाँ गई, क्या हुआ। वो तो बस एल्कोरियम होगा उसको पता होगा भाई, दो मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कचरा खाती हैं और पानी साफ़ करती है, जब आपका फ़िल्टर बंद होता है तो वो आपसे और मछलियों का पेशाब खाते हैं, मतलब आपका एल्कोरियम साफ़ करने का काम देती है। पता नहीं वो दो मछलियाँ मेरी कहाँ चली गई, मैंने देखा भी बहुत ढूंढा उसके बाद मुझे नहीं मिली, ये सामान निकला हुआ तो वह पड़ा हुआ था इस तरह। सही है, ये बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं भाई, दूसरी साइड एल्कोरियम का काम चल रहा है, इस साइड बिल्लियाँ सारी लड़ रही आपस में भाई, ये दो बच्चे आपस में इतना लड़ रहे थे, मैंने बोला भाई इनसे ही शूट करते हैं, थोड़ी देर इनसे मस्ती मजाक किया भाई, इनका अब्बा भी देखो सोया पड़े, इनका तो अब्बा सोते ही रहते हैं भाई 24 घंटों में 18 घंटे में बिल्लियाँ सोती है, जिस टाइम हम सो रहे होते हैं उस टाइम उठ जाती है और फिर बोलती है कहाँ पे जा रहे हो भाई। इसने बोला मैं तो उठी हुई हूँ, मेरे साथ आते मस्ती कर ले, मैंने बोला नहीं तेरे साथ हमने मस्ती नहीं करनी भाई। इसके बाद ये बच्चा भी इससे सब मस्तियाँ कर रहा था, दो बच्चे आपस में तेर रहे भाई, मैं इसी तरह कैमरा लेते थे उससे मैं बोलती तो लाते मारना शुरू किया। ये एल्कोरियम तो हमने अंदर पत्थर सही से बिछा लिया भाई, ये पत्थर सही से पड़े हुए एल्कोरियम के अंदर भाई, हमने बोला फिर अभी सेटिंग करते हैं, आप तो दिखाते जाते हैं। ये बाल्टी के अंदर मछलियाँ भाई, छः थी, छः मछलियाँ, 24 मछलियाँ लाया था उसमें से 6 मर गई, सॉरी 6 बच गई, टोटल मेरी 18 मछलियाँ मर गई, जिसमें 2 गोल्डन फिश थी और 2 बीटा फिश थी। सही है, इतनी अच्छी अच्छी मछलियाँ मेरे पास थी वो मर गई। इंशाल्लाह ये एल्कोरियम अभी सेट हो गया तो मछलियाँ भी आ जाएंगी कुछ दिनों में भाई। ये एल्कोरियम में पानी डाला जा रहा है, पानी का काम शुरू हो चुका है, पानी भी डाला जा रहा है। एक एल्कोरियम में 4 बोतलें डलती है, कम से कम भी 4 बोतलें बड़ी बड़ी डलती है, और मैंने बोला भाई बात ही पानी लेने चलते हैं, जल्दी सेटिंग के लिए पानी ज़रूरी, पानी लेने जा रहा हूँ। 1 घंटे के लिए सारी मशीनें चलने देंगे, तो अंदर मैंने डाले केमिकल, आपको देखते लग रहा होगा अंदर सारी केमिकल, और ये 1 घंटे बाद मैं मछलियाँ डाल रहा हूँ एल्कोरियम के अंदर। फिर से जब मैंने मछलियाँ डाली हो तब मैंने देखा था भाई मेरी 2 मछलियाँ नहीं है, पता नहीं मैंने बहुत ढूंढी, पता नहीं कहाँ गई, क्या वो 2 मछलियाँ बिल्कुल भी पता नहीं। तो जब काम चल रहा था उसमें से 2 मछलियाँ गायब हो गई, जिसको पता होगा भाई कचरा खाने वाली 2 मछलियाँ होती है भाई, मैंने आपको वीडियो में पीछे भी बता दिया, अभी करती हूँ बताऊँ, टाइम बर्बाद नहीं करना मैंने आप लोग का। ये देखें बारिशें हुई हैं तो ये पिंजरा भी हिल रहा है। सही है, ये पिंजरे के अंदर इंशाल्लाह 1-2 दिन में चूजे डालूंगा, चूजे बड़े करूंगा, असील के बच्चे लाऊंगा, असील के ओरिजिनल, असील प्योर असील ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाए तो वो इसके अंदर डालूंगा भाई। नीचे आ जाना, नीचे आ, नीचे आ, इस तो पकड़ ले तो पहले यार भाई, इस तो मैंने ऊपर से उतार लिया, ऊपर चढ़ावा था भी मुझे आते चिपके जाती हूँ,
थोड़ा सा प्यार तो करेगा ना, ये आपस में अपने तो साफ कर रहा है भाई। बोरा फिलहाल तो मूड नहीं है तुझे, मैंने मस्तियाँ करना है, कब बोले ही नहीं है तू क्यों फ्री हो रहा है। सही है, मुझे बोलते हुए जा रहा है, भूख हो रही है, जाते खाना खाने वाला होगा। इल्टोरियम की मशीन के अंदर भी रात तो पानी चला देते, वो खुली हुई पड़ी हुई अभी। मोटर भी सेट करते लगा ली थी भाई, उसके बाद ये मछली तड़प रही थी, मर रही थी भाई। मोटर चल रही थी तो सारी मशीन अंदर चल रही है। सही है, मछली मैंने बैठ नहीं ताली, पांच मछली अंदर बच गई, पता नहीं क्यों मर रही है, इंशाल्लाह एक दो दिन में नई मछली आ जाएगी। तो भाई चलो मैं चलता हूँ, जो चैनल बनाया सब्सक्राइब और जो अभी तक।